हे गाइस वेलकम बैक टू ओटैक्स टीवी। तो क्या चल रहा है, मेरे तो एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो एज द टाइटल सजेस्ट कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, वही होगा द कलिंग गेम, जिसको हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा इसके रूल्स और ये क्या होता है और ये क्यों हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट द हेक इज कलिंग गेम। तो जो केंजाकू या फिर ब्रेन है जो सुगुरु गेतो को कंट्रोल कर रहा है, इज प्लानिंग समथिंग वेरी वेरी बिग। कलिंग गेम एक रिचुअल है टू मर्ज विद टेंजन, बट ही वॉन्ट्स टू यूज दिस रिचुअल ऑन ऑल ऑफ द ह्यूमंस। बेसिकली ही वॉन्ट्स टू इवॉल्व मैनकाइंड, बट इसके लिए उसको चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी। Therefore, he has chosen a lot of players throughout Japan, जिसको उसने cursed technique या फिर objects दिए हुए हैं, और वो players जो colonies में enter कर रहे हैं। जब ये सारे players लड़ेंगे, उनसे इतनी cursed energy निकलेगी that can eventually bring all the humans to the other side। मतलब शायद they will gain cursed technique, या फिर they will die or become a cursed spirit। Who knows what's going to happen? तो अब हमने जब कलिंग गेम के बारे में बेसिकली सब जान लिया है कि क्या होता है, क्यों होता है, देन लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कलिंग गेम। रूल नंबर वन, आफ्टर अवेकनिंग अ कर्स टेक्निक, प्लेयर मस्ट डिक्लेयर देयर पार्टिसिपेशन इन द कलिंग गेम एट अ कॉलोनी ऑफ देयर चॉइस विद इन 19 डेज। तो इस रूल के हिसाब से प्लेयर वो लोग हैं जिनको केंजाकू ने पहले से मार्क करा हुआ है, लाइक सुमिकी। She was given a cursed technique by Kenjaku and some other sorcerer who were given cursed objects in the past. Rule number 2. Any player who breaks the previous rule shall be the subject to cursed technique removal. तो अगर आप एक प्लेयर हो and you don't enter any of the colonies in the 19 days, then your cursed technique will be removed. And since the cursed technique is connected to cursed energy and cursed energy is related to one soul, the player will die. लेकिन अगर आपके पास कर्स टेक्निक नहीं है, लाइक यू जी के पास अभी कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, देन यू विल बी अलाइव और यू विल नॉट डाई। रूल नंबर 3, नॉन प्लेयर हु एंटर द कॉलोनीज बिकम प्लेयर एट द मोमेंट ऑफ द एंट्री एंड शैल बी कंसिडर्ड टू हैव डिक्लेयर्ड पार्टिसिपेशन इन द कलिंग गेम। सिंपल रूल, जो नॉन प्लेयर्स हैं वो लोग हैं जिनको केंजाकू ने अभी तक मार्क नहीं किया है, बट इफ दे एंटर अ कॉलोनी इन विच द कलिंग गेम इज हैपनिंग थ्रू आउट जापान, दे विल बिकम अ पार्टिसिपेंट। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जानकर एंटर करोगे उस कॉलोनी में या ना जाने, अगर आप इन इंटेंशनली करो या इंटेंशनली, आप प्लेयर तो बन ही जाओगे। रूल नंबर 4, प्लेयर स्कोर पॉइंट बाय एंडिंग द लाइफ ऑफ अदर प्लेयर। अगर किसी प्लेयर को पॉइंट चाहिए तो उसे दूसरे प्लेयर्स को जान से मारना पड़ेगा, बट मैगुमी एंड यूजी डोंट वॉन्ट टू किल पीपल अननेसेसरली, दे वॉन्ट टू सेव पीपल, सो लेट्स सी वॉट दे हैव इन माइंड। रूल नंबर 5, Points are determined by the game master and indicate the value of a player's life. As a general rule, a sorcerer are worth 5 points and a non-sorcerer is worth 1 point. तो कौन है ये game master? हमको इतना पता है that it's not Kenjaku. So जो भी ये game master है, वो लोगों को जान लेने के points देता है. Normally एक sorcerer को मारने के आपको 5 मिलेंगे और एक non-sorcerer या फिर एक normal इंसान को मारने के 1 point. बट अगर गेम मास्टर चाहे तो वो आपको इससे कम ज़्यादा पॉइंट भी दे सकता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर एंड व्हाट गेम मास्टर थिंक्स। रूल नंबर 6, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वैल्यू ऑफ अ प्लेयर्स ओन लाइफ, प्लेयर में एक्सपेंड 100 पॉइंट्स टू नेगोशिएट विद द गेम मास्टर टू ऐड वन न्यू रूल टू द कलिंग गेम। तो मान लो कि आपके पास 200 पॉइंट्स हैं बट आपकी लाइफ इज वर्थ 100 पॉइंट्स, सो यू कैन ओनली मेक वन रूल विच विल वर्थ 100 पॉइंट्स। आप दो नहीं बना सकते क्योंकि आपका 100 तो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और 100 आपकी लाइफ के पॉइंट्स हैं, और गेम मास्टर की परमिशन चाहिए होगी इस रूल को बनाने के लिए। रूल नंबर 7, इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस रूल द गेम मास्टर मस्ट एक्सेप्ट एनी प्रपोज रूल अनलेस इट हैज़ अ मार्क्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द गेम। सिंपल सी बात है कि ऐसा रूल ऐड कर सकते हो जो गेम में ज़्यादा दखल ना दे। Like if someone adds a rule to permission to leave the game, then the culling game could not proceed. तो हल्के rules ही add कर सकते हैं जो culling game में ज़्यादा बाधा ना डालें। Rule number 8 and our last given rule. If a player's score remain for same for 19 days, that player shall be the subject to curse technique removal. अगर आपके points same रहेंगे for 19 days, मतलब 20 या 19 दिन तक, then the player will die. Because curse technique removal is directly related to the soul. That ends the whole culling game and its rule. So अब बात करते हैं कि why is it needed? Culling game, जैसे मैंने आपको बताया है, is the process of merging with Tengen.
So Tenzin is a sorcerer who is immortal, but he does age, so he needs to merge with a special vessel in a few hundred years to remain human. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो शायद एक अलग स्पीसीज में बदल जाए और फिर वो उस स्पीसीज में बदलने के बाद ह्यूमंस पे खतरा भी हो जाए। तो केंजाकू यही थ्योरी यूज़ करना चाहता है एंड ह्यूमंस के ऊपर, वो ह्यूमन को इवॉल्व कराना चाहता है। किस तरीके से इवॉल्व कराना चाहता है, वी डोंट नो येट। सो आई विल एंड माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। अगर कोई थ्योरी को है तो ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी बैक। It's your boy Devansh signing off.